हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, दो कलाकार। कलाकार जानते हो कौन होता है? आर्टिस्ट, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिस्ट। और वो आर्टिस्ट कौन होते हैं? कोई भी, जैसे चित्र बनाने वाला हो सकता है, समाज सेविका हो सकता है, कोई नाटक करने में होता है, कोई डांसर होता है। इसी तरीके से ये होते हैं आर्टिस्ट, कलाकार। आज हम इस पाठ के जरिए हम पढ़ेंगे दो सहेलियों की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है एक चित्रा है जो कि चित्र बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, चित्र बनाती है और अपनी ख्याति प्राप्त करती है, और एक होती है अरुणा जो कि गरीबों के बच्चों को पढ़ाती है और पढ़ा लिखा कर उनको एक अच्छा नागरिक कर बनाती है, वो समाज सेविका का काम करती है। अब इस पाठ में है, रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से से अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करते हुए बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब चित्र अरुणा को क्या था, चित्र बनाने में, चित्र देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी का मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पहला इनाम मिला तो मुझे मेरा नाम बदल देना। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटा तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो मैं अभी आई। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? ये कौन बोला? चित्रा बोली। किससे बोली? अरुणा से। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्ती जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ाकर अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। चाय पीते हुए चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स ख़त्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, अमीर पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है? हाँ, पर सच कहती है, मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किसी काम के लिए ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे, अरुणा आवेश में बोली। तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा ने पूछा। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए पर यदि उसमें तुम्हारा कोई विषय न छुपा हो तो तुम्हारे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज़ में तुम अपने चित्रों के मॉडल खोजा करती हो। अब क्या कहा उसने, अपने मॉडल। अभी चित्रा का क्या था, जहाँ पर उसकी चित्रों की कोई कला नहीं वहाँ पर वो कुछ भी नहीं करती है। अब कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती, अरुणा ने कहा। अब वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल जाना। ये कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। इस तरह दिन बीत रहे थे, अचानक वर्षा ऋतु ने दस्तक दी। इस बार प्रकृति ने अपनी ऐसी भयावह रूप दिखाया कि लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार का मतलब समझते हो, बहुत तेज बारिश होना, और वो रुक नहीं रही थी। ऐसी बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। ये दृश्य देख कर अरुणा दुखी थी। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ, अरुणा ने चित्रा से कहा। और इस तरह शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी, नहा धोकर खा पी कर लौटते के लिए चली। तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्र की ओर गई। 3 चित्र रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वे अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही
दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा घर लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुशी हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस एक सप्ताह हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में छलक पड़ी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई। बस अपने गुरुजी से मिलना रह गया था। दूसरों उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर चित्रा अभी तक लौटी नहीं थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आती है। बस क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया, रुकना ही पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसा हो गया, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुकना पड़ा? गर्ग स्टोर के पास जो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक गरीब सी औरत बैठी रहा करती थी। ना लौटा तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उनके दोनों बच्चे उनके पास बुरी तरह रो रहे हैं। उस दृश्य में न जाने क्या था कि मैं पूरा अपने आप को रोक न सकी और एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में देर हो गई, चित्रा ने कहा। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, लेकिन अचानक अरुणा पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी कोई खबर नहीं थी। बहुत सारी लड़कियां चित्रा को छोड़ने स्टेशन पर भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। अरुणा को क्यों ढूंढ रही थी? क्योंकि वह उसकी पक्की दोस्त थी और वो उससे मिलना चाहती थी। ट्रेन चल पड़ी पर अरुणा नहीं आई। अरुणा कहाँ गई थी? वो उन दोनों बच्चों और उसकी माँ के पास। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला की और ज़्यादा निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। गरीब औरत और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की तरह तारीफ में अखबार के कॉलम भर गए। पहले साल तो अरुणा ने पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई थी। अब क्या दोनों दोस्त बहुत कम मिल पाती थी। अब चित्रा अपने काम में लग गई थी, अरुणा अपने काम में व्यस्त हो गई थी। पिछले 1 साल से तो यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब चित्रा भारत देश लौटी तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को बुलाया गया। उस भीड़भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा से गले से लिपट गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8 साल। मेरे बच्चे हैं। और किसके बच्चों? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने कहा। अरुणा ने किससे कहा? बच्चों से। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी? मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा। मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। मौसी आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा ने तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उस गरीब औरत वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा यह ही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना मशहूर कर दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा।
इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। लड़का मौका मिलते ही बोला, मौसी हमें ऐसी तस्वीरें नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए राजा रानी की, परियों की। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आँखों से दूर हुए और अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। क्या कहा अरुणा ने? ये बच्चे मेरे हैं। जबकि ये बच्चे किस कौन से थे? ये बच्चे वो वाले बच्चे नहीं थे, बल्कि वो बच्चे थे जो कि जिनकी की माँ मर गई थी, और इनको ये वो वाले बच्चे थे जिनका की चित्र खींचकर अरुणा ने ख्याति अर्जित की थी। वो दोनों अनाथ बच्चे थे जिनको की अरुणा ने पाला था। अरे बता ना, मुझे ही बेकू बनाने चली है, चित्रा बोली। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस गरीब औरत वाले चित्र के दोनों बच्चों के उंगली रख कर कहा, ये वे दोनों बच्चे हैं क्या? आश्चर्य से चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि वह शायद विचारों में खो गई। अरुणा ने उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को देखकर पूछा, क्या हुआ चित्रा, और ये आंसू? चित्रा भावुक स्वर में बोली, रूनी तूने अपने कला से उन बच्चों का जीवन संवारा है। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि किसी के जीवन को बनाने वाला ही असली कलाकार है। अब अरुणा ने क्या किया था? अरुणा ने उन दोनों बच्चों की जिंदगी संवार दी थी, उनको पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बना दिया था। जबकि चित्रा ने क्या किया था? उनका स्केच बनाकर विदेश चली गई थी, और विदेश में उसने चित्र बनाकर उससे अपनी ख्याति अर्जित की थी। ख्याति का मतलब वो विदेशों में मशहूर हो गई थी। और जबकि अरुणा ने क्या किया था? उन बच्चों की जिंदगी को संवार कर अपना उनका नाम रोशन कर दिया और अपना बना दिया, उनको पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बना दिया। इसलिए किसकी कला सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाएगी? अरुणा की कला सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि उसने उन दोनों गरीब बच्चों की जिंदगी संवार दी थी। धन्यवाद।